नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आगरा से अपनी यात्रा को नोएडा तक ले जाते समय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मथुरा टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 40% आरक्षण वाला फॉर्मूला धरातल पर सही मामले में लागू नहीं होता दिख रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। साथ ही योगी सरकार के कार्यकाल को रामराज से तुलना करने पर उन्होंने कहा कि रामराज केवल राम के समय पर ही हो सकता है। कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में नहीं है। जब जिन मामलों में खेदजनक है, बढ़ती हुई महंगाई और घरेलू दैनिक उपयोग की वस्तुएं, चाहे वो सरसों का तेल हो, कड़वा तेल हो, या कई चीज़ें हैं जिनमें आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों से असली किसान मतलब जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सर, किसके साथ कर? गठबंधन के साथ अभी तक कोई वार्ता किसी से नहीं हुई है। अभी हम पहले अपना स्ट्रक्चर मजबूत, जो कि कोविड के कारण दौड़े नहीं हो पाए थे, जनसंपर्क नहीं हो पाया था, तो प्राथमिकता अभी हमको जनसत्ता दल के ढांचे को मजबूत करने की है और संगठनात्मक संरचना। वही उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की घोषणा के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। आजमगढ़ में पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से वो पहुंचे हुए थे, जहां पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में भाजपा का दरवाजा खोला था, वही अब वही दरवाजा वो बंद करेंगे। इसके बाद सपा लॉक लगाएगी। जिले में सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के 19वें स्थापना दिवस समारोह में जनसभा को संबोधित करने के बाद अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हुए थे, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग बाबा साहब के विचारधारा को बचाना चाहते हैं वो सभी आए हुए थे। यह गठबंधन प्रदेश की खुशहाली और बदलाव के संकेत दे रहा है। के मैदान मऊ में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से गठबंधन और साथ लड़ने का, साथ में मिलकर के आगे उत्तर प्रदेश को बचाने का काम होगा, आज का जो जन समर्थन था और जिन समर्थन में जो उत्साह जोश था वो ऐतिहासिक परिणाम देगा। तमाम वो लोग जो वंचित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे एक मंच पे हुए हैं। लखनऊ पहुंचेंगे, पूरा सफाया आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देगा। वही अगली खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के द्वारा पाल बघेल धनगर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ग्राम इटहा लहरापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के प्रदेश सचिव त्रिवेणी प्रसाद पाल पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछड़ी जाति को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इनकी सरकार के चाल ढाल मदमस्त हाथी की तरह है, जो हर गरीब को रौंदने का ही कार्य कर रही है। वहीं सपा नेत्री पल्लवी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को विकास पुरुष अखिलेश यादव का हाथ थामना पड़ेगा। आज लहरापुर के ग्राम इटहा में पाल समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव त्रिवेणी लाल पाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा समस्त पाल बंधुओं और अन्य पिछड़े वर्ग को इस बात को लेकर निर्देश दिए कि आने वाले 2022 के चुनाव में हमें समाजवादी के पक्ष में कार्य करना है, हमें समाजवादी की सरकार बनानी है, क्योंकि पाल बंधुओं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का जो उत्थान है वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश भैया के द्वारा हो सकता है। वर्तमान सरकार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, ये पूरी तरीके से निरंकुश सरकार है। इसने अभी जो 4.5 साल तक कार्य किए हैं, इसमें एक भी कार्य जो सारे कार्य हैं वो किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, बेरोजगार विरोधी कार्य किए हैं। ये जो सरकार है ये सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी विभाग विरोधी भी है। इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा भारत, जो हमारा देश भारत है वो एक किसान प्रधान देश है, और जब यहाँ पर किसानों की ही सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो फिर हम और इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया की समाजवादी पार्टी के रूप में सरकार आए और हम किसानों का, महिलाओं का।
विधान परिषद सदस्य पद का शपथ लेने के बाद गोरखपुर में पहली बार निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पहुंचे। गोरखपुर में संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से स्वागत किया। वहीं पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और पदाधिकारियों ने संजय निषाद का जोरदार तरीके से स्वागत किया। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बसपा सरकार में जमुना निषाद की हत्या हुई थी, तब निषाद पार्टी के लोगों ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन कोई विचार नहीं किया गया। वहीं सपा ने कहा कि हमारी सरकार बनाने में निषाद समाज मदद करे, हम जमुना निषाद की हत्या के मामले में सीबीआई जांच करवाएंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद वह अपने वादे से मुकर गए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने निषाद समाज के लोगों के उत्थान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आरक्षित किया जाए जिन्होंने देश में योगदान दिया, देश को आजाद कराया था, इस देश में संविधान बनवाया था, और बेईमानों ने इन्हें जेल में बंद कराया अंग्रेजों के नाते। 5 साल 16 दिन गुलाम थे, मैं उन्हें छूटे बाद में। आज देश में इनका कुछ नहीं था, आज इनके भाड़े के वकील जाते थे दिल्ली और लखनऊ में, अब कुछ नहीं हो पाता था। जितना दिन का भाड़ा देते थे उतना दिन वो वकील बोलते थे। आज अखाड़े का पहलवान 2017 में चुनाव लड़े, एक विधायक हो गए, 2018 में अखाड़े पहलवान दिल्ली भेजा सदन में, और आज खुद अपने गुरु को इन्होंने खुद विधान परिषद में भेजकर अपनी वकालत करने के लिए, जहाँ से इनका भाग्य लिखा जाता है, वहाँ आज मैं एक शपथ लेकर आया हूँ, और शपथ लेकर आया हूँ इन्हें शपथ दिलाने के लिए। जब तक हिस्सा न मिल जाए तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहो, और इस देश में जितने बेईमान हैं, जो इस देश के लोगों की रोजी रोटी छीना है, घर कपड़ा छीना है, 70 साल से उनके नौकरी छीने हैं, उन बेईमानों को हटाओ और अपना वोट इकट्ठा करके दो। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर रामपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए सभी छोटे बड़े दलों से अलायंस बनाने की जरूरत है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलायंस करने की बात भी कही। भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए शिवपाल ने कहा कि पूंजीपतियों को बढ़ावा का काम इस वक्त बीजेपी कर रही है, लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान हो चुके हैं। यह सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो है सत्ता परिवर्तन के लिए चलाई जा रही है। सरकारों ने जो वादे किए थे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है, और जो भी हो रहा है, जो भी ये सरकार के खिलाफ बोल दे वो जेल में ठूंक दिए जाते हैं, भूखे मुकदमे लिखा कर। शिवपाल जी, आज राजभर जी का सम्मेलन हो रहा था, छोटे दल इकट्ठे हो रहे थे, उसमें आप भी शामिल थे। नहीं, मुझे आज अब रामपुर है तो क्या कहेंगे? मुझे कोई सूचना नहीं, मुझसे कोई बात नहीं हुई थी, और हमारा रथ इधर चल रहा पश्चिम की ओर। शिवपाल जी, सेकुलर वोटों का जो बंटवारा होगा उसका फायदा किसको मिलेगा? हम प्रयास कर रहे हैं सभी सेकुलर पार्टियां, सभी समान विचारधारा की पार्टियां एक हो जाएं, और एक इसलिए चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी हो। वही एक दिवसीय दौरे पर सलून पहुंची स्मृति ईरानी ने दौरे की शुरुआत ममुनी और धरई गांव पहुंचकर जनता को उन्होंने संबोधित किया। संबोधन में सरकार के कामकाजों और योजनाओं का उन्होंने बखान किया। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम और सखी समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं ममुनी गांव में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली ऐसा जनपद है जहां 2-2 सांसद हैं। हमें तो इस क्षेत्र में सभी नाले खड़ंजों के बारे में पता है। आप लोगों ने हमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि इस क्षेत्र की दीदी के रूप में चुना है। वहीं बटोही लॉन में आयोजित बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम का भी उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम में लाभार्थियों को उन्होंने चेक भी बांटे। भी जी नहीं दिख रही तो जी 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 दीपोत्सव के लिए मैंने एक ही ठीक है ठीक है कि हम सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस दीपावली एक दीप जलाएं अपने घर में उनके लिए जो शहीद हुए ताकि हम आजाद हो सके, और एक दीप उनके लिए जो आज भी सरहद पर तैनात है ताकि हम उनके संरक्षण में अपने परिजनों के साथ उत्सव की बेला का आनंद ले सकें। अमेठी की जनता ने मुझे आश्वस्त किया है कि उनके घर में एक दीप शहीद के नाम, एक दीप
सरहद पर सैनिक के नाम निश्चित रूप से चलेगा। आप सब भी इस पुण्य काम को अगर अपने घरों में करें तो ये दिवाली हमारे शहीदों और सैनिकों के नाम समर्पित है। जो 16 तारीख से 31 अक्टूबर तक पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत ये एक कार्यक्रम ग्राहक संपर्क ये कार्य है, जिसमें हम क्रेडिट जो है वो ग्राहक के एरिया में जाके उनके नज़दीक पहुंच के उनकी सुविधा, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको लोन हम सैंक्शन कर रहे हैं और डिसबर्स भी कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो है हमने यहाँ पे आयोजित किया है सलोन। यहाँ पर उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित किए गए ऋण वितरण समारोह में भी भाग लिया। आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे यहाँ पर विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं, जिन लाभार्थियों को ऋण देना है, जिन जिन कामों के लिए लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाना है, उनके सबके स्टॉल लगाए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर से लेके एक ग्राहक संपर्क पहल है और मार्की का स्टॉल लगा हुआ है। इसी के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक संपर्क पहल की तरफ से आज जो है सभी लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लाइव लेकर सलोन ब्लॉक में आई हुई। मैनपुरी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा शासन की मंशा के अनुसार विभिन्न बैंकों के द्वारा 101 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा कार्य योजना का विमोचन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की बैंकों की इस सराहनीय पहल से दीपावली के शुभ अवसर से पहले स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, किसानों, उद्योगपतियों और सभी को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का अवसर मिलेगा। किस लिए लगाया, पूरा मामला क्या सर? दीपावली से पूर्व शासन की मंशा के अनुरूप सभी विभाग प्रयासरत हैं कि आम जन के जीवन में खुशियाँ आएँ। उसी के तहत जनपद मैनपुरी में आज ऋण संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 101.6 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। साथ ही साथ आज ही के दिन माटी कला बोर्ड के द्वारा जो हमारे 25 श्रमिक हैं उनको निःशुल्क चाक का वितरण किया गया है। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं के प्रगति हेतु 32 महिलाओं को 20,000 रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 10,000 अनुदान होगा, 10,000 उनको भुगतान करना होगा, जिसमें वो अपनी सिलाई। वही उन्नाव में बाढ़ के कहर से ग्रामीण काफी ज्यादा मुसीबत में है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए डीएम सीडीओ ने वहां पर निरीक्षण किया है। डीएम ने नाव से गंगा में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, हर संभव मदद के लिए कर्मचारियों को दिशा निर्देशित किया गया है। वही खाद्य सामग्री को लेकर भी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। जलालपुर रामपुर गांव में इस वक्त काफी ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सभी ग्रामीणों से बात की गई। निरीक्षण कर अफसर गंगा घाट की ओर लौट गए, साथ ही सफीपुर तहसील और ब्लॉक के कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया गया। अधिकारी महोदय के नेतृत्व में आज जिला प्रशासन सफीपुर ब्लॉक के जमाल नगर और रामगढ़ गांव जो बाढ़ प्रभावित थे वहां पर गए थे और हम लोगों ने नाव से भी निरीक्षण किया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने तहसील प्रशासन को और विकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि खाद्य सामग्री की आपूर्ति निर्बाध गति से चलती रहे, इस कोई भी ऐसी आपदा ना आए इसके लिए नाव के भी प्रबंध किए गए हैं। चिकित्सकों की एक टीम लगाई जा रही है ताकि जो भी संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ता है बाढ़ के आने के बाद उन पर नियंत्रण रखा जा सके। वही सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र के गांव ननसौप निवासी एक युवती को फेसबुक पर दोस्ती करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आपको बता दें कि युवती को छत्तीसगढ़ बुलाकर जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि युवती 4 अक्टूबर को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। बाद में पीड़ित पिता मणिराम ने थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन काफी समय तक युवती का पता नहीं चल पाया। वही हत्या के बारे में पता चलते ही परिजन छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पर स्थल का मुआयना करते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जानकारी मिली कि मृतका की फेसबुक पर किसी से दोस्ती हुई थी और उसकी दोस्त ने अपने भाई से शादी कराने की बात कही। वहीं परिजनों का कहना है कि इस झांसे के चक्कर में युवती की हत्या की गई है। पूरे मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस आगे की कार्यवाही जारी रखेगी।
ये हमारी वीरांगना वाहिनी की कार्यकर्ता रही हैं सोनिया त्यागी उर्फ लक्की त्यागी। ये इनके पिताजी भी कार्यकर्ता हैं मिस्टर मनीराम, इनका गांव नैनसोब है। ये लड़की अपने भाई की शादी कराने के लिए किसी मेघना नाम की लड़की से वार्ता करती थी फेसबुक पर, और उसी के फेसबुक के जाल में फंसकर ये चुपचाप घर से अकेले निकल के 3 तारीख की रात में छत्तीसगढ़ चली गई। छत्तीसगढ़ से इसका जो मैसेज आया फेसबुक पर उसमें इसने अपनी जान को खतरा बताया। वो 19 तारीख में मैसेज आया था, तुरंत नागल थाने पे जो है इसकी सूचना की गई। 3 तारीख की सुबह ही रात्रि में ये घर से निकल गई थी एक फेसबुक के चक्कर में। मेघना नाम की लड़की है, उसके साथ फेसबुक पे बात किया करती थी और ये उसके चक्कर में निकली होगी, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट नागल थाने में दी थी, जो हमें 22 तारीख में वहाँ से सूचना मिली कि इस लड़की की डेथ हो चुकी है। कहाँ से सूचना मिली आपको? ये नागल थाने से, ये गए हमारे पास जी। फिर आगे क्या हुआ? आगे जी हम उसकी डेथ बॉडी लेने के लिए वहाँ गए और रात ही लेकर उसे लौटे हैं। कहाँ से बॉडी लाया? ये लाए छत्तीसगढ़ तो, थाना से रोया। तो यहाँ से पुलिस गई थी आपके साथ? ना कोई नहीं गई, मना कर दी थी पुलिस ने। कोई सहयोग ना किया? कोई सहयोग नहीं किया पुलिस ने। देखिए ये आप आज से 10-12 दिन पहले की वो है जब ये लड़की जो है अपने घर से छत्तीसगढ़ के लिए निकली थी। इनके परिजनों ने जो है अभी 2-3 दिन पहले आके इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और उसके बाद हम लोगों को और इनके परिजनों को छत्तीसगढ़ से ये सूचना मिली कि वो लड़की की वहाँ पर मृत्यु हो गई है। उसी लड़की का जो पोस्टमार्टम वहीं से हुआ है और आगे कार्रवाई भी वहीं से होगी। हमारे यहाँ पर हमारे परिजनों से बात हो गई है, उनको हमने समझा दिया है और उसका अंतिम संस्कार करके सब जो है व्यवस्था शांतिपूर्वक है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड पर 3 अक्टूबर को बनवीरपुर में हुए दंगल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने जाते समय दंगाइयों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर पथराव और लाठी डंडों से मारपीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। इस मामले पर भाजपा के 2 मंडल अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। संदिग्ध भूमिका और एक पक्षीय कार्यवाही से आहत होकर निघासन मंडल अध्यक्ष प्रज्ञानंद श्रीवास्तव, सिंघाई मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।